जय माता जी, हुकुम खम्मा घणी, जय श्री राम। मैं डॉक्टर रतन सिंह चिराना आप सभी हुकुम का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऐतिहासिक चैनल चिराना फोर्ट में। चिराना फोर्ट में आप पढ़ रहे हैं भारत का राजपूत इतिहास वंश श्रृंखला, और वंश श्रृंखला में सूर्यवंश और सूर्यवंश में राजावत राजवंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 322वीं पीढ़ी तक जगत सिंह द्वितीय तक पढ़ा था, तो चलिए हुकुम आगे की जानकारी लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मुझसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने इस महान इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास जिसमें आप और हम सब मिलकर एक योगदान करते हैं। तीन सौ तेईसवीं पीढ़ी में महाराजा जगत सिंह जी द्वितीय के पुत्र जय सिंह जी तृतीय राजा बने। जय सिंह जी तृतीय के पुत्र राम सिंह जी द्वितीय 324वीं पीढ़ी में राजा बने, और राम सिंह जी द्वितीय के पुत्र माधव सिंह जी द्वितीय 325वीं पीढ़ी में राजा बने, और 326वीं पीढ़ी में माधव सिंह जी द्वितीय के पुत्र मान सिंह जी द्वितीय राजा बने। द्वितीय और तृतीय जो ये नाम आते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये नाम इसलिए वापस रिपीट किए जाते हैं हमारी वंश परंपरा में। जितने भी महान राजा हुए हैं उनको एक तरह से सम्मान देने के लिए वापस जो अगली पीढ़ी होती है उसका नाम वही रिपीट किया जाता है, इसलिए इनके नाम इतिहास में समझने के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय रखा जाता है। बाकी हमारे वंश में तो बहुत ही श्रेष्ठ और अद्वितीय राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने इस भारत भूमि को अपने रक्त से सींचा है, इनकी जितनी गाथाएं गाई जाएं वो कम है। मान सिंह जी द्वितीय के पुत्र 327वीं पीढ़ी में भवानी सिंह जी उत्तराधिकारी बने। मान सिंह जी के चार पुत्र हुए, भवानी सिंह जी, जय सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी और जगत सिंह जी। ये जयपुर का राजवंश है और ये वर्तमान पीढ़ियाँ हैं, तो इनके आगे की पीढ़ियों के बारे में जानकारी अपनी अपनी वंशावली के अनुसार और अपने पूर्वजों से, अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से जानकारी ली जा सकती है। तो चलिए हुकुम, ये राजावत वंश का वर्तमान तक की स्थिति का वर्णन था। जय हिंद, जय भारत।